दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में आज दोपहर बड़ी संख्या में भाजपा निगम पार्षद वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन का उद्देश्य जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग थी। बीजेपी कार्यालयों ने तिहाड़ जेल के बाहर सीएम केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारे लगाए और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने लगभग आधा घंटे तक तिहाड़ जेल के मुख्य गेट पर नारेबाजी की। माननीय हाई कोर्ट का निर्णय सुना होगा, अरविंद केजरीवाल जो आबकारी नीति में शराब की घोटाले में करोड़ों रुपए के कमीशन खाने के आरोपी है, कल माननीय हाई कोर्ट ने उनकी याचिका रद्द करते हुए कहा, प्रथम साक्ष्य जांच एजेंसी ने जो तथ्य रखे हैं उसमें इस पूरे घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये ऐसा बेशर्म मुख्यमंत्री है जो जेल के अंदर रहकर भी इस्तीफा नहीं दे रहा। उसे राजमहल का जो मोह है वो उसको गद्दी छोड़ने नहीं दे रहा। दिल्ली में आप देख रहे हैं लगातार भीषण पानी का संकट, लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और जब बारिश आती है 15-20 मिनट की बारिश में पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती है, घंटों घंटों का जाम लगता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कारण, मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, एक और मंत्री जेल में, और जो बाहर है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कोई घटना घटती है, चाहे राजेंद्र नगर में 3 मासूम बच्चे चले गए, पटेल नगर में एक आईएएस का जो प्रीलिमिनरी एग्जाम जिसने क्लियर कर लिया वो चला गया, मुरीघर में माँ बेटा चले गए, सड़क पे चलते हुए आम आदमी बारिश में डरता है कि पता नहीं कहां से करंट आएगा और उसकी जीवन लीला खत्म हो जाए, ऐसी अनेकों अनेक घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य ये कि आशा किरण होम जो दिल्ली सरकार का है, एक रात में 14 बच्चे खत्म हो जाते हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार के बेशर्म मंत्री अफसरों पे ठेका फोड़ते हैं। अरे आप वहां मंत्री हो, आप गाड़ी बनने की सुविधा ले रहे हो, आप वेतन ले रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके अफसर काम करें। वो अफसर पे जिम्मेदारी डालते हैं और अफसर मंत्रियों पे जिम्मेदारी डालते हैं कि 6-6 महीने तक फाइल पड़ी रहती है, साइन नहीं होते। और इस दिल्ली की सरकार चल कैसे रही है उसकी एक वानगी देखिए आप। पिछले 2.5 साल में सिर्फ 15 मीटिंग कैबिनेट की फिजिकल हुई है, बाकी सब में सर्कुलर दे दिया गया कि कैबिनेट ने निर्णय किया उसको पास कर दो। ऐसे सरकार चल रही है जहां कोई चर्चा नहीं होती, जहां कोई बात नहीं होती, सिर्फ एक तानाशाह आदेश देता है और वो नीचे इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। कोई सलाह मशवरा नहीं होता कि ये दिल्ली की जनता के लिए अच्छा है या दिल्ली की जनता के लिए बुरा है। लगातार दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले, चाहे शराब नीति का घोटाला हो, चाहे शिक्षा में स्कूल के कमरों का घोटाला हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में नकली दवाइयां देने का घोटाला हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे पैनिक बटन घोटाला हो, चाहे ट्रांसपोर्ट घोटाला हो। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।